फर्जी वाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे फर्जी वाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, छत्तर एकता जिंदाबाद, 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 छत्तर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, उनमें आसान मौके, छात्र शक्ति जिंदाबाद, 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 शिक्षा के दल्ला, गोली मारा सालों को, भगवान यूनिवर्सिटी, पूरे साल में 21,000 रुपए हमारे से लूटते हैं पूरे, तो इससे हमारे जो किसान के छात्र हैं, किसान के बच्चे हैं, तो वो कहाँ से लेके आएंगे डेली, वो तो 5,000-5,000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे। अच्छा, 21,000 का जो आप अमाउंट बता रहे हैं, ये जो फीस ये लगाते हैं, फीस है वो है या फाइन लगाते हैं हर छात्र के पीछे, जो फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर का है, वो हर सेमेस्टर में उसके 5,000-20,000 ऐसे फाइन लगाते हैं। अगर वो भी फाइन नहीं भरते हैं तो उसका 10 गुना, 5,000 का 10 गुना 50,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर नहीं भरा जाएगा तो 50,000 रुपये आपको फाइन भरना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि निजी विश्वविद्यालय इस तरीके से फाइन लगाते हैं, ये कितना उचित है? क्या आप लोग उसको माफी की अर्जी देते हैं? उचित होता है, उचित होता है ना, वो होता है 8% या 2% फीस का, ठीक है ना। ये लगाते हैं सीधे 50%, ठीक है, 50% कोई फाइन नहीं देता है। आज राजस्थान में एग्रीकल्चर का यहाँ पे फील्ड क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर BSc चल रही है, MSc चल रही है, लेकिन यहाँ पे फील्ड क्या है, फील्ड क्या है? कोई जैसे यहाँ पे मतलब आती है ना कंपनी लेने के लिए, वो भी मतलब ऐसी ही कंपनी आती है, पाइस डेयरी जैसे हुआ, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती है, ठीक है। भवन में पानी पीने की व्यवस्था मतलब पूरी खराब है यहाँ पर। अच्छा, ये जो फाइन लगाते हैं, ये फाइन किस चीज़ का है? पार्किंग की व्यवस्था 1% भी नहीं है, ये देख लो आप, धूप में पड़ी है सारी गाड़ियाँ, वहाँ पे भी धूप में पड़ी रहती है, वहाँ पे तो अंदर भी नहीं डालने देते हैं, यहाँ पे फेर हुआ चद्दर वद्दर भी नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन है यहाँ पे, वहाँ पे तो चद्दर भी नहीं है, और गाड़ियां भी बाहर खड़ी रहनी पड़ती है, कई बार गाड़ी चोरी हो जाती है, तो फिर उसको क्या करे, बोलते हैं हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, कॉलेज कैंपस कहता है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गुंडा बोलते हैं ये। अच्छा, आपका नाम क्या है और कौन से कोर्स आप कह सकते? मैं गजेंद्र सिंह हूँ, BSc 3rd ईयर AG का स्टूडेंट हूँ, ठीक है सर। मैं अभी अंदर बात करने के लिए जा रहा था, मेरे को टीचर बोल रहा है गुंडा है, ठीक है। मैं सर जेड सेलेक्टेड बंदा हूँ, ठीक है, जेड सेलेक्टेड बंदा हूँ। आप मेरे को किस बेस पे गुंडा बोल रहे हो? आपको कौन से टीचर को मारा, मेरे कौन से थाने में केस चल रहा है ये बताओ। फैकल्टी मेरे को गुंडा बोल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, हम जब कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, आप फाइन गाय के लिए लगा रहे हैं, आप बताओ आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो आप अटेंडेंस नेसेसरी कर लो ना, आप अटेंडेंस रखो कि हाँ बच्चा आए कॉलेज ताकि वो पढ़े, नॉलेज दे बच्चा है। हम नॉलेज देने के लिए आए हैं, फिर 5,000 रुपये भरने के लिए आए। अच्छा, मुझे ये बताइए जो फाइन है, ये फाइन किस चीज का है? किसी ने कहा 21,000 है, कोई कह रहा है 10,000 है, ये फाइन क्या है? ये शॉर्ट अटेंडेंस का फाइन है, ठीक है सर। बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके 5,000 फाइन लगा दो, वो कॉलेज आएगा। मतलब ये तो जबरदस्ती हुई नहीं, कोई बच्चा 5,000 रुपये दे देगा और आ जाएगा कॉलेज, थोड़ी आएगा वो। नॉलेज दो ना बच्चों को, क्या कर रहे हो आप, आके जाके DAV देख के आओ, DAV एग्रीकल्चर का कॉलेज है ना, वहाँ पे फार्म है, सब फैसिलिटी है, ठीक है। हमसे ट्यूशन फीस लेते 28,000 मेरा फीस था, ठीक है, एग्जाम फीस प्लस 25,000 हमारा फीस है और 3,000 एग्जाम फीस का, ठीक है। आप एक बार जाके कॉलेज को देख के आओ, कहाँ हमारे पास फार्म है, ठीक है, खेत है जो किसी दूसरे का कब्जा करके खेत पे काम चला रहे हैं ये लोग, ठीक है, प्लस गाय भैंस, क्या एग्रीकल्चर क्या होता है इनको पता ही नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स क्या है, प्रैक्टिकल में तो कोई मतलब ही नहीं है सर, प्रैक्टिकल ले रहे हैं, कॉपियाँ भर के दे दो और प्रैक्टिकल हो गए। आप पढ़ा रहे हो या फिर मतलब वो टाइम पास कर रहे हो? और टीचर बोलते हैं कि तेरे अटेंडेंस नहीं है या फिर तू 5,000 फाइन नहीं भरेगा तो तेरे को एग्जाम में नहीं पड़ेगा, तेरी डिग्री 8 साल की कर दूंगा, मतलब ऐसी तो धमकियां देते हैं हमें, ठीक है। भैया मतलब दूसरी चीज ये है, कोई बंदा एक की अकेला आवाज उठाए ना तो उसकी आवाज को दबा देते हैं, बोलते हैं मतलब कॉलेज का चपड़ा सी है ना, वो भी ये ऐसी धमकी देता है कि मैं तेरे को रेस्ट एड कर दूंगा, उसके क्या हाथ में है, वो भी बोलता है मैं तेरे को रेस्ट एड कर दूंगा, सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि इनको रेस्ट एड कर दिया, और दूसरा कोई बंदा ऐसे करेगा तो उनको भी रेस्ट एड कर दूंगा। जब हमने डीन से जाके बात करी तो उनको पता ही नहीं कि इन बंदों को रेस्ट एड किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, फिर भी सोशल मीडिया पे स्टूडेंट को बदनाम करते हैं कि इनको रेस्ट एड कर दिया, ये कर दिया, वैसे दिया। कल एक बच्चे को जब मैंने स्टेटस पे लगाया कि भैया हम कल कॉलेज 8:30 बंद करेंगे, ठीक है, तो उस बच्चे ने स्टेटस लगाया, तो उस बच्चे को पता है टीचर मैसेज करके क्या बोल रहा है कि तू ये चीज मत कर, तू नेतागिरी में कुछ नहीं पढ़ा, तेरी डिग्री लंबी कर दूंगा मैं, ये बताओ ये कौन सी धमकी देने का टीचर, गुरु होता है, गुरु पढ़ाने के लिए होता है, गुरु हमें धमकियां दे रहा है तेरे ये कर दूंगा। आपकी शिकायतें जो फीस के ऊपर जो एक्स्ट्रा वो आपके ऊपर चार्ज किया जा रहा है, पेनल्टीज जो आपके ऊपर फाइन जो लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा क्या यहाँ की शिक्षा प्रणाली को लेकर भी सवाल है आपके? सब यहाँ पर कमजोरी है, और मतलब सबसे ज्यादा ये जो टीचर है ना सबसे ज्यादा चोर है, इनको सीधा करना है। अभी तक कोई बातचीत आपकी हुई? हमारे बड़े भाई हमारे अंदर गए हुए हैं अभी, 5 जने, लोकेश गोदारा, नरेश मातवा और नवीन सोनी
और आशीष बेनीवाल और वीरेंद्र बेड़ा, वो अभी बात कर रहे हैं और मीटिंग हो रही है, बात चल रही है और हमें बाहर आके हमें पूरी बात बता देंगे। फर्स्ट ईयर का सर स्टूडेंट हूँ। आज जो ये आप लगाए देख रहे हो ताला, ये इस वजह से लगाया है कि जो बंदे हैं उनके फाइन लगा रहे हैं। वो फाइन इस टाइप के लगा रहे हैं कि कोई बंदे की जैसे 5 तारीख को भरनी है फीस, यदि वो 6 या 7 कर दी तो या 2000 हो गए, फिर 10 दिन हो गई तो सीधा 5000। अब आप ही मान लीजिए, यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करने वाले 50000 मुश्किल से भर पाते हैं। सेकेंड बात, वो मुश्किल से भर पाते हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर 5000 फाइन लगा दी जाती है। उस फाइन को भरने के लिए बंदा 3 या 4 दिन छुट्टी लेके काम पे जाता है, काम पे जाके वो पीस करता है 5000। 5000 करने के बाद वो भरने आता है, जब तक दिन 3 दिन लेट हो जाता है तो उसके ऊपर और 500 रुपये जोड़ दी जाती है। ऐसे करके एक बंदे को कमोबेश एक साल में सिर्फ फाइन के 10000 रुपये देने पड़ते हैं। और जो एग्रीकल्चर वाले बंदे हैं वो 75000 पे करते हैं एक साल के, उन बंदों पे कम से कम 15000 से 10000 के बीच फाइन लगाते हैं। और जो यहाँ पर फैकल्टी है उनका यह है कि यदि बच्चा है, घर से आया कैसे भी आया, जल्दी में आ गया, यदि टाई नहीं है उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है, कॉपी फाड़ दी जाती है। यह ऐसा व्यवहार है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये बंदा है रोजाना यूनिफॉर्म में आता है, आज ही ऐसा हुआ है कि इसकी टाई नहीं है, इसकी वजह से इसको एग्ज़ाम देने दिया। इसलिए यही है कि यदि ये आज मान जाएंगे, फाइन हटा देंगे, तो हम शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर होगा थोड़ी देर रुकेंगे। ये ताला लगा हुआ, मेरा नाम शहबाज है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली बच्चों का कोई शॉर्ट अटेंडेंस को लेकर के, एग्ज़ाम्स को लेकर के कोई मैटर था, तो प्रशासन ने उनकी बात सुनी है, एप्लीकेशन ली है बच्चों से और प्रशासन तक पहुँचा करके उसको सॉल्व कर दिया गया है। बच्चों की अभी वर्तमान में ऐसी कोई विगत कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट कर दिया गया है बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं कि ना यूनिवर्सिटी अवैध वसूली कर रही है फीस को लेकर। सर, इस तरह का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया, अवैध वसूली का कोई मामला सामने नहीं आया। कुछ भारी तत्वों के द्वारा कुछ इस तरह का बच्चों को हो सकता है कि भागा हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। What the?